अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक। मैं हूं शायान सिद्दीकी और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम MS Word, Excel, PowerPoint, Photoshop या फिर Illustrator की फाइल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं PDF फाइल में, वो भी बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर के और बग़ैर किसी वेबसाइट के और साथ ही साथ जेन्युइन तरीके से। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। अच्छा, यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें मेरे पास सारी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर की फाइल्स हैं जो कि मैं आपको सिखाऊंगा PDF में कन्वर्ट करना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड से। डबल क्लिक करके मैंने इसकी फाइल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये आ गया मेरे पास फाइल। ठीक है, सबसे पहले करना ये है आपको जाना है फाइल में। फाइल में जाने के बाद यहाँ से आपको यूज़ करना है सेव एज ऑप्शन। सेव एज ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा आपको ब्राउज का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको बतानी है इसकी लोकेशन। लोकेशन मतलब कि आप इस PDF फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हो। मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैं इसको कर रहा हूँ म्यूज़िक में, और यहाँ पे एक मैंने फोल्डर बना लिया जिसको मैं नाम दे रहा हूँ PDF। ठीक है, इंटर। अच्छा, नाम क्या रखना चाहते हो? मैंने कहा इसका नाम मैं रखूँगा ABC कर लेते हैं। ठीक है, सेव एज टाइप, ये हुई है सेव एज टाइप इसकी वर्ड डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्स फाइल में, मतलब कि MS Word की फाइल में ये सेव होगा और ओपन भी MS Word की ही फाइल में होगा, हमें ये कन्वर्ट करना। तो हमने सिंपल इस पर क्लिक करा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपको ये ऑप्शन PDF का, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन हुआ है स्टैंडर्ड पब्लिशिंग ऑनलाइन एंड प्रिंटिंग, यही सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, इसके बाद ये देख लीजिएगा ओपन फाइल आफ्टर पब्लिशिंग, इस पर चेक वैसे लगा हुआ होता है डिफ़ॉल्ट, मैंने इस पर से चेक हटाया हुआ है। इसका काम ये होता है कि जब हमारी फाइल सेव होती है, सेव होने के बाद वो खुद ब खुद ओपन हो जाती है PDF में, तो मैं ये नहीं चाहता कि वो खुद ब खुद ओपन हो, तो मैंने इस पर से चेक हटा दिया। हम उसे खुद ही जाके ओपन कर लेंगे। सेव कर देता हूँ इसको। सेव करने के बाद इसको करता हूँ क्लोज़। चेक करते हैं जाके वो थी हमारे पास, हमने सेव किया उसे म्यूज़िक में, म्यूज़िक में PDF के फोल्डर में PDF, ये रहा। ओपन करते हैं, ये देखिए हमारी फाइल MS Word की अब कन्वर्ट हो गई है ये PDF फाइल। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं। एक्सेल की फाइल को किस तरह से PDF में कन्वर्ट करते हैं? एक्सेल की फाइल एज अ डेमो मैंने कुछ बनाई भी है। इसके लिए अभी हम कहाँ जा रहे हैं? फाइल में। फाइल में जाने के बाद सेव एज, सेव एज में जाने के बाद ब्राउज, और वही काम करना है इसमें भी, हमें लोकेशन सेट करनी है। म्यूजिक यहीं पे सेव कर रहा हूँ, इसको नाम में दे रहा हूँ ABC1 का। सही है, सेव एज टाइप क्या हुई है? एक्सेल मतलब SXLSX एक्सटेंशन। ठीक है, मतलब एक्सेल की एक्सटेंशन में हुई है। इसको हमें कन्वर्ट करके कर लेना है यहाँ से, ये रहा PDF, ये भी वही ऑप्शंस हैं। ठीक है, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको करते हैं क्लोज, डोंट सेव। अच्छा जी, PDF ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये हमारी शीट जो है ये कन्वर्ट हो गई अब PDF में। सही, अच्छा जी, अब हमें करना है पावर पॉइंट की फाइल को, तो पावर पॉइंट की फाइल में ओपन कर लेता हूँ। ये खुल गई मेरे पास एक प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हमें करना है फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद सेव एज, और यहाँ से ब्राउज। अब हमें सबसे पहला काम ये करना है, लोकेशन देनी है कि भाई हम चाहते हैं, हमें इस फोल्डर में चाहिए ये। नाम इसका दे देते हैं हम ABC2। ठीक है, और सेव एज टाइप क्या हुई है इसकी? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इसको चेंज करके कर लें PDF। सही, सेव करते हैं, चेक करते हैं ABC2। तो ये देखें हमारी जो प्रेजेंटेशन है ये अब कन्वर्ट हो गई ये PDF फाइल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, वो ये कि वापस मैं सेवेज में जा रहा हूँ, ब्राउज करता हूँ इसको, और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ फिर से PDF। और मैंने आपको इस ऑप्शन के बारे में बता दिया, इन दोनों ऑप्शंस के बारे में बता दिया, लेकिन ये जो एक बटन है हमारे पास ऑप्शंस का, इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं।
इन ऑप्शंस का यूज़ क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एमएस वर्ड की फ़ाइल है, उस पर बहुत सारे पेजेस बने हैं, तकरीबन 10 पेजेस हैं हमारे पास। तो हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें स्टार्ट के 5 पेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, बकाया 5 को नहीं करना, या हम चाहते हैं हमें एंड के 2 पेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और स्टार्ट के 8 पेजेस को नहीं करना, या इसी तरह से एक्सेल पे आ जाएं तो एक्सेल पे जितनी शीट्स बनी हुई हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ 1 शीट को 2 शीट को करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे, या इसी तरह से हमारे पास पावर पॉइंट की स्लाइड जितनी है, जितनी भी स्लाइड्स बनी हुई हो, आप चाहते हो कि सिर्फ आपको वही स्लाइड पीडीएफ में कन्वर्ट करनी है जो आप चाहो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो सिंपली। कि यहाँ पे सबसे पहले आपको रेंज ऑप्शन में ऑल दिया हुआ, ऑल मतलब जितनी भी स्लाइड्स होंगी सब हो जाएंगी, वो भी हमने देख लिया, वो सब पीडीएफ में कन्वर्ट हो गएंगी। अच्छा, अभी है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन करंट स्लाइड। करंट स्लाइड से क्या होगा, जो स्लाइड हमें अभी प्रीव्यू हो रही होगी वो ही कन्वर्ट हो जाएगी पीडीएफ में। कौन सी स्लाइड, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम ओपन कर लेते हैं ये वाली, ये कौन सी स्लाइड है, तीसरी स्लाइड, ये प्रीव्यू हो रही है, हम चाहते हैं सिर्फ इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, फाइल सेव एज, ब्राउज, ब्राउज करने के बाद यहाँ इसको पीडीएफ करने के बाद ऑप्शंस, और यहाँ से हम इसको कर देंगे करंट स्लाइड, जो अभी सिर्फ हमें प्रीव्यू हो रही है वही करना है। ओके, करके दिखा देता हूँ मैं आपको, इसको नाम दे देते हैं हम 1 का म्यूजिक पीडीएफ सेव, चेक कर दें। देखें सिर्फ वो स्लाइड पीडीएफ में कन्वर्ट हुई जो मैंने सेलेक्ट की, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ कि मुझे 1 से ज़्यादा करनी है, फॉर एग्जांपल 3 करनी है, 5 करनी है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप यूज़ कर लें यहाँ से स्लाइड्स ऑप्शन, यहाँ पे आ जाइए, आपको बता रहा है फ्रॉम टू, कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करनी है, आप बता दो यहाँ। मैंने कहा फॉर एग्जांपल मुझे करनी है 1 और सिर्फ 2, 2 स्लाइड्स मुझे करवानी है, पहली और दूसरी, चेक कर लेते हैं। ओके किया मैंने इसको, म्यूज़िक पीडीएफ, इसको नाम दे देते हैं हम 2 का, 2 स्लाइड्स हमने पीडीएफ की हैं, सेव, चेक करते हैं। ये देखें फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इसी तरह से आप जितनी स्लाइड्स को चाहें, जितनी को ना चाहें, आप सिंपल जितने पेजेस को चाहें, जितने पेजेस को ना चाहें, यहाँ से पीडीएफ कर सकते हैं, और जिनको ना चाहें उनको छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमें करनी है फ़ोटोशॉप की फ़ाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट, तो ओपन कर लेता हूँ मैं सबसे पहले फ़ोटोशॉप की फ़ाइल। अच्छा जी, अब मुझे करना ही है, यहाँ से जाना है फाइल में, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मुझे सेव एज, सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद सबसे पहले मैं इसको लोकेशन बता देता हूँ पीडीएफ में करना है, मुझे नाम यही दे देते हैं इसको। अच्छा, सेव एज टाइप की हुई है फ़ोटोशॉप, PSD मतलब फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट, इसको हमें कन्वर्ट करना है यहाँ से अपना पीडीएफ, ये रहा फ़ोटोशॉप पीडीएफ, ठीक है, सेव। यहाँ पे आपके पास ये कुछ सेव पीडीएफ ऑप्शंस आएंगे, तो ये जो डिफ़ॉल्ट हुए हैं इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़िएगा, इसको सिंपल कर दें सेव पीडीएफ, ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये आ गई हमारी फ़ोटोशॉप वाली फाइल, ठीक है, जूम आउट करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये सही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को कैसे कन्वर्ट करेंगे। इलस्ट्रेटर की फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ मैं, ये आ गई हमारे पास इलस्ट्रेटर की फाइल, सही है। सिंपल फाइल में जाना है, सेव एज करना है, सेव एज करने के बाद यहाँ से इसको आप नाम दे सकते हैं जो देना चाहें, लोकेशन दे दें, और सेव एज टाइप में भी इसको क्या कर लें, पीडीएफ सेव कर दें। सेव करने के बाद ये जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आ रहे हैं इनको रहने दें और कर दें सेव पीडीएफ, तो ये भी आपके पास पीडीएफ में सेव हो जाएगी। सॉरी, ये वाली नहीं है, ये है, ये देख
ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।